पलवल की विकास की कहानी नहीं बल्कि यूक्रेन की कहानी आप सभी के सामने लेकर के आए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हो हमारा खास कार्यक्रम पलवल विकास की कहानी। पलवल विकास की कहानी में आज गांव खामी पहुंचे हैं और किसी विकास की कहानी नहीं बल्कि यूक्रेन की कहानी आप सभी को बताने वाले हैं। आज मौजूद हैं हमारे साथ में टेकचंद, जो कि MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, वहां पे गांव खामी के रहने वाले हैं और आज ही इनका आना हुआ है। तो आइए इनसे जानते हैं किस तरीके की स्थिति वहां पे बनी, सरकार ने किस तरीके की इनकी सहायता करने का काम किया और अभी रूस ने किस तरीके से वहां पे बार पलटवार चल रहा है, वो सारी बातें इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। टेकचंद, पहले तो आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। टेकचंद, क्या स्थिति थी जब से कहीं ना कहीं न्यूज में आना शुरू हुआ कि अब कहीं ना कहीं जो युद्ध है वो तय है, तो वहां पे उस समय पर क्या स्थिति थी और सरकार ने क्या एडवाइजरी आपके लिए जारी की थी? वैन जब सरकार ने स्टार्टिंग में नोटिस निकाला कि हम स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे, बट वो हेल्प नहीं कर पा रहे थे। सरकार बात कर रही थी कि हम पुतिन या मतलब एस प्रेसिडेंट वगैरह से बात करेंगे, बट वो नहीं, बात नहीं मान पा रहे थे। एंड एट लास्ट मोमेंट वॉर स्टार्टेड, बट दे कॉल इट्स, मतलब ये नहीं बोल पा रहे थे कि हम यूनिवर्सिटियों का क्या कर पाएंगे क्या नहीं करेंगे। एंड वो बोल रहे थे कि उन्होंने बोला हम स्टूडेंट को यहाँ से इवैक्यूएट करने, जब एक्सप्लोजन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा हम स्टूडेंट की पूरी हेल्प करेंगे, बट डिडंट हेल्प मी। एंड स्टूडेंट्स स्टार्टिंग रनिंग इन बॉर्डर एंड अदर बॉर्डर, हंगरी बॉर्डर, पोलैंड बॉर्डर, वेयर नो अवेलेबल इंडियन स्टूडेंट्स। सो वी कैन से अबाउट स्टूडेंट्स वेयर दे डिडंट हेल्प। एट लास्ट मोमेंट गवर्नमेंट स्टार्टेड एवेक्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी, एंड दिस टाइम हम करेंगे कि सरकार हमारी हेल्प के लिए स्टार्ट हुई। उन्होंने बच्चों का एवेक्यूएशन स्टार्ट किया एंड अकोमोडेशन उन्हें उपलब्ध कराई, एंड एट लास्ट मोमेंट स्टूडेंट्स कम इन इंडिया। नहीं, ये भी बीच में सुनने में आया था कि जो प्राइस है टिकट्स के वो ज़्यादा कर दिए गए हैं, तो ऐसी चीज़ें क्या थी उस समय पर? स्टार्टिंग में जब वॉर का सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होता गया तो उन्होंने बोल टिकट की जो रेंज थी वो एक साथ इतनी इंक्रीज हुई कि इंडियन स्टूडेंट्स उसे अफेयर नहीं कर पा रहे थे। एंड दिस वन एट फर्स्ट टाइम टिकट स्टार्टेड 23,000, बट एट लास्ट मोमेंट टिकट एट रीच्ड 50,000। 50 तक पहुंच गई थी, मतलब 23,000 से लेकर के 50,000 तक टिकट वहां पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर भी क्या स्थिति थी जब 50 की टिकट पहुंच चुकी थी, तो क्या फ्लाइट वहां पे अवेलेबल थी? एट लास्ट मोमेंट फ्लाइट तो अवेलेबल थी, बट वैन हाई स्टैंडर्ड लोग जा भी पा रहे थे, बट लोअर क्लास फैमिली डिडंट अलाउ इट। तो ये लगभग, मैं यदि बात करूँ तो 25 तारीख तक की ये चीज़ें हैं, क्योंकि सरकार ने जो शुरू किया वो 26 और 27 को शुरू किया था, तो 25 तक ये चीज़ें स्थिति थी। अच्छा, यदि बात करें कि एक्चुअल में अभी तक लोग देख ही पाते हैं कि कुछ मेट्रो के नीचे कुछ ऐसी जगह बनाई गई थी जिनमें लोगों को छुपा सके, आपने वो चीज़ें देखी हैं, क्या स्थिति थी वहाँ पर? एट द सिचुएशन ऑफ वार सायरन स्टार्टेड एट द मोमेंट ऑफ वार, स्टूडेंट्स अवर हॉस्टल वार्डन स्टूडेंट्स कॉल एंड गो इन बंकर्स दे आर मेड इन बिलो द मेट्रोज। अच्छा, मतलब मेट्रोज के नीचे ये मेनली बनाए गए थे या फिर कॉलेजेस और स्कूल के विद्यार्थियों का भी कुछ ऐसी चीजें स्थिति थी वहाँ पे? यस थी, बट इतना भी नहीं कर पा रहे थे। जैसे हॉस्टल के नीचे बेसमेंट बना हुआ था, कुछ स्टूडेंट को वहाँ पे भेज दिया जाता था, पूरे स्टूडेंट तो उस बंकर में भी नहीं आ सकते, वे इतने बड़े भी नहीं थे कि सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को उस बंकर में ही डाल दिया जाए, इसलिए कुछ बेसमेंट जैसी चीज़ें बनाई हुई थी। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ मतलब ऐसा सेफ जोन था, ऐसा नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल भी अनसेफ थे वहाँ पे। अच्छा, यदि बात करें जैसे 26 तारीख को बात हुई, 27 तारीख तक शुरू हुआ कि कहीं ना कहीं हर भारत सरकार इसको कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है उसकी टिकट की वो कहीं ना कहीं वेयर करने का काम करेगी, तो यदि जब उस समय पर ऐसी स्थिति बनी तो कहाँ कहाँ आपको बॉर्डर पर जाना पड़ा? क्योंकि एक साथ तो आप सीधा नहीं आए, क्योंकि जब युद्ध शुरू हो गया तो फ्लाइट वगैरह सब कुछ बंद हो चुकी थी, तो आपको कहाँ से कहाँ जाना पड़ा और फिर किस तरीके से इंडिया आने का काम किया आपने? एट द वॉर मतलब स्टूडेंट्स इतने घबराए हुए थे कि उनके घरों से कॉल पे कॉल आए जा रहे थे, पेरेंट्स रोए जा रहे थे, इसलिए स्टूडेंट्स ने एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर भागना स्टार्ट किया। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एट फर्स्ट टाइम पे पोलैंड बॉर्डर पे गया, वहाँ पे जाके देखा तो हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स एंड अदर कंट्री स्टूडेंट्स वहाँ पे खड़े हुए थे, दो दिनों से वहाँ पे लगातार खड़े हुए हैं, बट कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमको। एंड बट स्टूडेंट्स जा तो रहे हैं बट इंडियन स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं कर रहे, व्हाट इज दिस रीजन? मतलब पोलैंड वाले जो थे वो पोलैंड वाले इंडियन
स्टूडेंट को अलाउड नहीं कर रहे थे। पोलैंड बॉर्डर खुला हुआ था बट यूक्रेन बॉर्डर इज नॉट अलाउ इंडियन स्टूडेंट्स। ओके मतलब यूक्रेन कहीं ना कहीं प्रेशर दे रहा था कि आप यहीं रहो अभी। यस फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे वहां से फिर आप वापसी गए यूक्रेन? हाँ, तो उसके बाद जब हम वहाँ पे जाने के बाद देखा तो हमें कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला। हम वहाँ से यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए वहाँ पे बस अलाउ कराई, वहाँ से हम वापस अपने स्टेट में लबी में आ गए। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स, हाँ, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने बोला कि हम अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम खुद एवैक्यूएट कराएंगे यहाँ से। उन्होंने फिर अपनी रेंज, अपनी कॉस्ट दे के या मतलब कुछ भी ऐसे पैसा वगैरह दे कर उन्होंने बसेस कराई, वो हमको हंगरी बॉर्डर लेके गए। हंगरी बॉर्डर ले जाने के बाद हम वहाँ पे हमने 2 दिन वेट किया। यूजॉर्ड नाम से एक स्टेट है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, उसका एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, उसमें हम 2 दिन रुके थे। 2 दिन के बाद हमने 1 तारीख को हम वहाँ से चले तो हंगरी बॉर्डर पर गए। वहाँ पे बहुत लंबी कतार लगी हुई थी बस की, तो हम वहाँ पे जाने के बाद हम वेट किया। हाँ, और फर्स्ट बात कि हम गए तो थे हंगरी बॉर्डर पे, वहाँ पे जो यूक्रेनियन लोग थे उन्होंने बहुत हेल्प की। वहाँ पे कैंप लगाए हुए थे, सबको खाना दे रहे थे, जितना वो कर सकते थे उन्होंने बहुत किया। एंड एट लास्ट मोमेंट एट अराउंड 9 to 10 PM हमने हंगरी बॉर्डर क्रॉस किया एंड देन इमिग्रेशन हुआ हमारा। एंड वीजा हमें टेम्प्रेरी वीजा 14 डे का लगा के दे दिया। उसके बाद हम एम्बेसी ऑफिस गए, वहाँ पे रुके थे, फिर उसके बाद हम एयरपोर्ट लेके गए एंड देन कम बैक टू इंडिया। हंगरी में पहले आपको वहाँ लेके गए, उसके बाद फिर आप इंडिया आए। अच्छा, ये तो आपने अपनी पूरी जैसे आपके साथ बीती और जहाँ से जहाँ तक आपको आना वो आपने बताया। अब यदि बात करें युद्ध को लेकर, क्योंकि अभी लोगों ने बस न्यूज़ के माध्यम से देखा बम फट गया, लेकिन वहाँ रियल में किस तरीके की फायरिंग या फिर रॉकेट जो दागे जा रहे हैं, वो ऐसी कोई घटनाएं आपके सामने आई हों? ऐसी हमारे हम वेस्ट साइड में है हमारा स्टेट, बट वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमारे यूक्रेन के जो कैपिटल है कीव एंड अदर स्टेट खारकिव, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोशन हो रहा था। बिकॉज प्रेसिडेंट टॉकिंग अबाउट ईच अदर बट दे डिडंट एक्चुअली बट नॉट, मतलब हम कह सकते हैं वो एक दूसरे से सहमत नहीं थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिट्री को लेके एक्सप्लोजन किया जा रहा था। इंडियन स्टूडेंट्स तो इतना नहीं, बट यूक्रेनियन वहाँ के जो आदि मतलब रहने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो रहे थे उस वजह से। यदि बात करें उसके बाद हरियाणा भारत सरकार ने कहीं ना कहीं अपने अंडर लिया, तो अभी ये भी है कि 4 मंत्री अलग अलग देशों में जो बॉर्डर लगे हुए हैं और वो उनको देख रेख करने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप भारत सरकार के लिए? पहली बात तो भारत सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने हमें अपने घर सुरक्षित लेके आए। एंड उन्होंने, हाँ ये बात सत्य है कि 4 हमारे मिनिस्ट्री जो मिलिट्री के हैं वो भी वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट कराया था एंड वो अभी भी हेल्प कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार लगातार इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ से वापस ला रही है एंड इस हम तरीके से कह सकते हैं कि वो हमारी फुल हेल्पफुल है। एंड वी कैन से अबाउट इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आई एम प्राउड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। मतलब आप भारतीय होने पे भी गर्व करते हैं, क्योंकि देखो 5 साल पहले यदि, क्योंकि सरकार को लेकर के बात करें, भारत सरकार को लेकर के बात करें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखती हैं कि जब से भारत सरकार में मोदी सरकार आए हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर देशों में जा कर के उन्होंने अपना नाम, एक भारत का नाम बहुत ऊंचा करने का काम किया है, तो ऐसा कुछ वहाँ भी आपको फील हुआ कि रियल में हम ऐसे भारतीय हैं जिसको कोई रोकने वाला नहीं है? हाँ जी, ऐसा हुआ था। एट द हंगरी वैन क्रॉस द हंगरी पॉइंट स्टूडेंट्स आर फुली अलाउड इन पोलैंड, सॉरी उसमें हंगरी, एंड वो बोल रहे थे कि इंडियन स्टूडेंट्स को हम फुल जितना सपोर्ट कर सकेंगे उतना कर रहे थे। वहाँ के हंगरी के जो लोग थे वो भी हमें जैसे एप्पल वगैरह के बनाने वगैरह हमें डोनेट कर रहे थे, उन्होंने हमारी पूरी हेल्प की। दोस्तों ये आप देख सकते हो, टेकचंद हमारे बीच में है, जो कि अभी आज ही इनका आना हुआ है गांव खौमी के अंदर, और हमने इनसे सारी बातें जानी हैं कि किस तरीके से इन पे बीती, किस तरीके से वार को लेकर के बात करें, जब आपस में वार शुरू हुई तो क्या जहां पे ये रहते थे वहां पे भी क्या ऐसी वार की स्थिति थी, आपस में वार चल रही थी, और अब भारत सरकार के उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला कि आज कहीं ना कहीं पूरे भारत के हर एक व्यक्ति को गर्व करने का विषय है कि हम भारतीय हैं। जो इन्होंने बताया कि पोलैंड, पहले पोलैंड गए, पोलैंड के बाद दूसरे स्टेट कौन सा जब वहाँ से आप निकले थे? हम पोलैंड के बाद हम हंगरी बॉर्डर पे गए हुए थे, जिसका नाम जाइनिस्कू कुछ इस टाइप का था, थोड़ा अजीब नाम है तो उसमें इजिटेट हो रही है, तो वहाँ पे गए हुए थे। वहाँ से उन्होंने हमारे इमिग्रेशन वीज़ा वगैरह लगा के दिया, टेम्प्रेरी वीज़ा, उसके बाद हमें अकोमोडेशन कराया एम्बेसी ऑफिस में, तो वहाँ उसके बाद हमें वो एयरपोर्ट लेके गए। तो हंगरी बॉर्डर को लेकर के बात करें तो जो ये जरूर है, इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि हंगरी के लोग बिल्कुल भारतीय की सपोर्ट में थे, उन्होंने इवन इनको बताया कि फल फ्रूट भी दिए खाने के लिए, और वहाँ से सीधा वीज़ा लग करके आप सीधा
इंडिया इंडिया आ गए। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो बाहर देशों जो कहीं ना कहीं भारतीयों को लेकर के एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव विचारधारा उनकी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। टेकचंद का यहाँ पे एक सही स्थिति में पहुंच चुके हैं, लेकिन युद्ध तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, दोनों देशों के लिए घातक होता है। और मैं तो यही उम्मीद करूंगा ऊपर वाले से भी और कहीं ना कहीं पुतिन जी और यूक्रेन से भी कि युद्ध की जो अब नौवें दिन की स्थिति बन चुकी है कहीं ना कहीं समाधान की तरफ जाएं, जिससे किसी को भी कैसी भी हानि ना हो। बने रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम पे, पलवल विकास की कहानी, आज यूक्रेन की कहानी। क्या नाम माता जी आपका? मोहन दे। आज आपके बेटे की घर वापसी हुई है, जब आपको पता लगा कि बीच में युद्ध छिड़ चुका है तो क्या आप बीती थी आपके सामने? मुझे तो बहुत बीती थी, मेरे को तो बहुत दुख हुआ, मेरे घर वालों को भी बहुत दुख हुआ था जब युद्ध छिड़ा था कि हाँ युद्ध छिड़ गया है, अब बच्चा आया है तो बड़ी खुशी हुई है, मोदी सरकार के लिए धन्यवाद है। जब युद्ध छिड़ा था तो आपकी बेटे से लगातार बात हो रही थी? हाँ बात हो रही थी खूब, पर ऐसे बोलता था डर सा जैसे, बहुत बात तो खूब हो रही थी उससे, पर ऐसे लग रही थी बेटा रोता रोता बात कर रहा था कि मम्मी कुछ नहीं हो रहा, आप क्यों रो रही हो, क्यों ऐसा कर रही हो। तो आपके अंदर उस समय पर क्या फीलिंग थी? मुझे तो ऐसी हुई थी जैसे मेरी जान निकली, मुझे तो ऐसा हुआ था जब मेरे बेटे को ऐसा हुआ तो मुझे भी मेरा ऐसा लग रहा मेरे हो रहा है। तो आज आपके बेटे की घर वापसी हुई है तो कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई है, मोदी सरकार के लिए धन्यवाद है बार बार।